कोरोना के इस पीरियड में लॉकडाउन के इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने घर में रहें। दिन प्रतिदिन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। जैसा कल मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए थे, आज उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि अभी तक हरियाणा के अंदर 13,000 लोगों के ऊपर हम निगरानी रख रहे हैं और इन 13,000 लोगों में से वर्तमान में 323 लोग ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हमने 694 लोगों के सैंपल लिए हैं जो कोरोना पीड़ित, जितने पॉजिटिव पाए गए हैं लोग, उनके संपर्क में आने वाले लोग, उन सैंपल्स में से 543 सैंपल्स ये नेगेटिव आए हैं और 29 सैंपल जो पॉजिटिव आए हैं उसमें से भी 10 लोगों को अभी तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार मात्र 19 लोग अभी हरियाणा में पॉजिटिव केसेस ये रजिस्टर्ड हैं। एक कष्टदायक बात जो कल से इस समय तक आई है, उसमें जैसा आपको पता लगा होगा कि दिल्ली में निजामुद्दीन में जैसा तबलीगी जमात के हज़ारों की संख्या में लोग ये मई महीने के दूसरे सप्ताह में एकत्र हुए, मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में एकत्र हुए थे, वहाँ पर पॉजिटिव कोरोना कुछ लोग उसमें शामिल हो गए और वो फिर बाद में जैसा पता लगने लगा तो स्थान को खाली कराया गया और वो लोग देश भर में सब प्रांतों में चले गए। हमें भी इन दो दिनों के अंदर जिन लोगों की जानकारी मिली है हमारे पुलिस विभाग के द्वारा और जो आईबी की सूचनाओं के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, 500 से ऊपर लोग ये हरियाणा में भी अलग अलग स्थानों के ऊपर इस समय जो हमें मिले उनको सबको हमने क्वारंटाइन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उनमें से अब अपने स्थानों पर, मस्जिद में अथवा कहीं होटल में अथवा घर में अपनी इच्छा से नहीं रह पाएगा। कम से कम 15 दिन का ये समय कोरोना के इस पीरियड का जो न्यूनतम समय अलग रहने का होता है उनको अब भेज दिया गया है उनके अपने स्थानों के ऊपर। तो इस प्रकार से ये स्टेप हमने इसलिए लगाया है, उठाया है कि बहुत अधिक कहीं इसका फैलाव होता तो एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी ये बन सकती है, क्योंकि दुनिया में जो बड़े देशों में कोरोना का जो फैलाव हुआ है, चाहे वो चाइना हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इंग्लैंड हो, इन सब स्थानों पर ये प्रारंभिक बातें ध्यान नहीं दी गई। हमने वो प्रारंभिक बातें ध्यान देनी शुरू की हैं जिसमें से इस देश में, भारतवर्ष में और हरियाणा में खास करके हम लोग अभी तक उस बचाव में हैं, लेकिन हम लोग इसकी और सावधानी बरतेंगे तो कम से कम ये जो हमारा इतने लंबे समय तक जिस में से हम बचे रहे, इस प्रकार के किसी भी बात के बचाव में हम लोग आएंगे कि बहुत से ऐसे अभी अवसर और आएंगे जिसमें हमको सावधानी बरतनी होगी। और जैसा प्रदेश के नाते हम सोचते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति, ये जैसे कल मैंने उल्लेख किया था कि काफ़ी गड़बड़ाने की संभावनाएं हैं। जैसे पिछले महीने मार्च समाप्त होते ही हमारा रेवेन्यू कम हुआ, निश्चित रूप से अप्रैल के महीने भी कम होगा। बहुत लोग तो कहते हैं कि आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने तक भी इसकी समस्या बनी रहेगी और उसके कारण से मैं प्रदेश के सब लोगों से आह्वान करता हूँ और आह्वान इस बात का करता हूँ कि हम लोग ये जो हमने कोरोना रिलीफ फंड बनाया है इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। इसमें प्रतिदिन लोग सहयोग कर रहे हैं। आज जैसे मैंने आंकड़ा देखा है तो लगभग 24 करोड़ रुपया कोरोना रिलीफ फंड में ये हमको प्राप्त हो चुका है। एक निवेदन हमने अपने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों से किया था कि वो अपनी सैलरी का, बेसिक सैलरी का कुछ प्रतिशत अवश्य इसमें योगदान करें। उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल के माध्यम से हर कर्मचारी को कहा है कि अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर वो योगदान करें। आज ही मैं उसमें देख रहा था 0% से लेकर 100% तक बहुत लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार का योगदान किया है। लगभग 46,000 लोगों का इस समय तक योगदान, उसका फॉर्म भरा जा चुका है जो लगभग इस समय तक 24 करोड़ रुपए से ऊपर जिसकी राशि हो चुकी है। और बहुत से लोगों ने अभी भी कहा है कि इस समय का और 2 दिन, क्योंकि कल उसका आखिरी तारीख है, लोगों ने कहा कि इसके 2 दिन और बढ़ाने चाहिए। बहुत से लोगों को उसका पोर्टल की जानकारी थी नहीं, जिनको आज ही जानकारी मिली है। तो बहुत से बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी के हमारे एम्प्लॉइज़, ऐसे बहुत से एम्प्लॉइज़ हैं जिनके लिए आज से हम और व्यवस्था करेंगे ताकि वो भी उसके अंदर अपना योगदान करें। अब इस राशि का खर्च हमको प्रदेश के हित में
ही करना है। जैसा केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं, 1,70,000 करोड़ रुपए की एक पैकेज ये सरकार ने घोषित किया है, जिसमें गरीब परिवारों के लिए, जिसमें चिकित्सा और मेडिकल के जो काम में लगे हुए ऐसे हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनके लिए, ऐसे ही गरीब परिवारों के लिए बहुत से ऐसे विषय उस दिन घोषणा की गई थी जिसका हमको सीधा लाभ होगा। हमने भी प्रदेश में जिस प्रकार से गरीब परिवारों को, चाहे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, चाहे 1,000 रुपया सप्ताह का देने की बात हमने कही है, उसको देना शुरू कर दिया है। अभी तक लगभग 250 करोड़ रुपया ये जा चुका है, आगे लगातार वो भी जाता रहेगा। और हम इसमें इस महीने का 1,500 करोड़ रुपये का हमारा जो बजट है वो इस अंदर खर्च होने वाला है। हमारे सरकारी जितने भी डॉक्टर्स, कर्मचारी, जितने भी कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय अपनी ड्यूटी पर, उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है, अगर किसी की मृत्यु होती है, तो केंद्र सरकार ने उसका एक घोषणा की है, उसके बीमा की एक बीमा की राशि उनको मिलेगी, 90 दिन तक वो प्रावधान लागू रहेगा। मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को केंद्र सरकार के इस घोषणा से लाभ होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से बाहर रह जाएंगे, फिर भी कोरोना की इस कठिनाई के कारण से हो सकता है उनको कोई ना कोई कठिनाई आ जाए, मानो किसी को कोरोना से प्रभावित लोगों का रोग उनके कारण से लगता है, उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे सब लोगों के लिए हमने जो घोषणाएं करनी है, उसमें से खास करके प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, उनके नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वहाँ भी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जैसा पहले हमने घोषणा करके बताया था कि डॉक्टर्स के लिए 50 लाख रुपए, नर्सेज के लिए 30 लाख रुपए, पैरामेडिक्स के लिए 20 लाख रुपए, और अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आदि, उनके लिए 10 लाख रुपए। ये घोषणा प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी हम लोग आज उसकी घोषणा करते हैं, ताकि प्राइवेट अस्पताल में भी किसी को कोई घबराहट ना हो, ऐसे संकट के समय उनको भी इलाज के लिए आगे आना चाहिए, और कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित यदि वहाँ पहुँचता है तो उसको निसंकोच होकर के, और उसका टेस्ट भी करना चाहिए, उसका इलाज भी करना चाहिए, और यदि ज़्यादा सीरियस है तो उसको जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें रेफर करना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी लगे हैं, ऐसे सुरक्षाकर्मी भी यदि इस कोरोना की चपेट में कोई किसी दुर्भाग्य कारण से आ जाता है, उनके लिए भी हम 30 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया उनके लिए भी घोषणा करते हैं कि 90 दिन के लिए वो भी इसमें कवर होंगे। ऐसी किसानों के लिए एक सूचना है कि जिन किसानों ने अपना ऋण वापस करना था, जो सॉफ्ट लोन होता है फसली ऋण, उसको 15 अप्रैल तक उन्होंने वापस करना था, अब उनकी तिथि जो है वो बढ़ा करके और 30 जून कर दी गई है, इसलिए 30 जून तक वो अपने पैसे को, ऋण को वापस कर सकते हैं, ताकि उनको जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उस पीरियड का उनको केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का ये मिल सकेगा, इसलिए उसके ऋण की भी अवधि ये बढ़ाई जाती है। अंत में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और कोई भी कारण हो, बिना कारण से घर के बाहर नहीं निकलना है। मैं अंत में 2 पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा, गुलजार की शायर, एक मशहूर शायर हुए गुलजार, उनकी पंक्तियाँ याद आ रही हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, कोरोना की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझ जाने की ज़रूरत क्या है। तो कृपया हम लोग अपना संयम बनाकर रखें, घर में रहें, परिवार के सदस्यों के साथ हम अपना समय बिताएं, और इस समय का उपयोग, जैसा मैंने चर्चा की, उसकी चर्चा लगातार उसका उपयोग करते रहें, और अपना विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इस 21 दिन के बाद जब हम घर से बाहर निकलें तो शक्तिशाली बन करके निकलें, यही मेरा आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।